हेलो गाइस, जूस किचन में वेलकम है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की बर्फ़ी। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल लिया। इसको धुल के वाश करके अच्छे से इसमें एक गिलास पानी डाल के इसको सीटी लगा देंगे दो तीन, और उसके बाद इसको निकाल लिया एक बर्तन में, ठंडा कर लिया इसको। अब इसको हम ग्राइंडर डाल में इसको डाल के पीस लेंगे। और सब बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक बर्तन में निकालते जाएंगे, सब ऐसे हमको पीस लेना है। कितना हो गया है आधा किलो दाल में। अब यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको सब डाल देंगे, भूनते रहेंगे। दो बार में हमने इसको भुना है क्योंकि ये एकदम गोल्डन हो जाना चाहिए, थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए इसका। और ये हो गया है। अब यहाँ पर ये देसी घी हमने लिया है, इसमें दो इलायची डाल दिया है, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। यहाँ पे आधा केजी दूध डाला है हमने और आधा ही केजी से थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर भी लिया है इसमें, क्योंकि हमें बराबर का शक्कर लिया है। बहुत मीठा हमें नहीं खाना, आपको अगर मीठा करना तो आप कर सकते हैं। और इसको दो तीन बॉयल आने देंगे। यहाँ पे दो तीन बॉयल आ गया है। अब यहाँ पे किशमिश, काजू, पिस्ता और नारियल का जो कोकोनट का वो होता है, जैसे कैटर कोकोनट, वो लिया है और उसको चाशनी में डाल दिया हमने। अब ये पाउडर जो हमने भून के रखा था चने के दाल का, उसको भी डाल दिया। और इसको कम से कम धीरे धीरे करके कम 10 मिनट इसको हमें अच्छे से भूनते रहना है। इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है एक चम्मच, इसमें देसी घी एक एक चम्मच डालते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। और ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाना चाहिए, भून जाना चाहिए। यहाँ पे केवड़ा एसेंस भी हमने डाल दिया थोड़ा सा, इससे खुशबू अच्छी आएगी, टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमने ऑयल लगा के रखा था एक थाल में, और इसको अब हम यहाँ पे जमा देते हैं। अब यहाँ से ऊपर से हमने खड़ा काजू और बादाम लिया है और नारियल लिया, चिरौंजी लिया है, इसको डाल के हम इसको सेट कर देंगे और चांदी का वर्क लगा देंगे ऊपर से। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।